तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। सैमसंग स्मार्टफोन का एक बहुत ही मस्त वाला सैमसंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है जो 15 फेब को। तो इस स्मार्टफोन का एक्सेप्टेड प्राइस है 25,000। तो अंदर बजट 25,000 में इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F62। ये तो स्मार्टफोन देख रहे हो, इसका प्राइस के साथ इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये स्मार्टफोन को 25,000 के बजट में खरीदना सही रहेगा कि गलत रहेगा, जानेंगे सब कुछ आप इस वीडियो में। अगर आपको टेक की दुनिया में बहुत ही आनंद आता है मोबाइल स्मार्टफोनों को, तो चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों के लिए आप और मैं ऐसे जुड़ता रहूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले वेरियंट के ऊपर। डिस्प्ले है इसका 6.7 इंच का, और इसमें आपको देख सकते हो तो गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन, और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल फुल HD डिस्प्ले के साथ, जो कि स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2400। स्क्रीन PPI की बात करो 395। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करो ये 90 हर्ट्ज़। और इसमें आपको जो इसका थोड़ा ऐसे कर्व फिनिश आपको कोना में देखने को मिलेंगे, वो आप 10% 20% आप नोटिस कर पाएंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी F62 डिस्प्ले के मामले में 25,000 में मैं कहूँगा ठीक ठाक है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, गोरिल्ला ग्लास है, इज ए बेस्ट ऑप्शन। दूसरी बात करो ये स्मार्टफोन के आपको जो कैमरा वेरियंट के ऊपर, कैमरा में आपको देख सकते हो 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 प्लस 2। और थोपरा के लिए आपको देखने को मिलेंगे 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। उसके बाद आता है इसका बैटरी सेगमेंट। बैटरी में आपको देख सकते हो 7000 mAh का बैटरी सेगमेंट, और इसमें आपको 33 वाट का सुपर फास्ट तो नहीं कह सकता, एक रैपिड बाय चार्ज फोन को चार्ज करेगा, जो कि कमाल बात है। क्विक चार्जिंग यहाँ पे लिखा है, एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इसमें जो कैमरा वेरिएंट है, कैमरा वेरिएंट भी मेरे ख्याल से 64 मेगापिक्सल के साथ, अगर इसमें जो इसका वाइड एंगल लेंस अगर 12P आ जाता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हो। और इसका चिपसेट की बात करो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया, इसमें आपको देख सकते हो सैमसंग का खुद का ही सैमसंग NOS 9825 इसमें चिपसेट सपोर्ट करता है। और जो इस जिस चिपसेट का जो फैब्रिकेशन है वो 7 नैनोमीटर है, और इसका जो ग्राफिक्स है आर्म ऑल मॉल G77 MP12 इसमें GPU लगता है। तो पबजी वालों के लिए ये स्मार्टफोन के लिए 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भाई बहुत ही आरामदायक है, कि बहुत समय तक पबजी आप गेम को खेल पाएंगे, जो कि बैटरी रिड्यूस भी पावर भी आपको आनंद आएगा। बात अखिर यह था कि इस चिपसेट का 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन स्कोर के साथ 7000 बैटरी, मतलब ये बैटरी बहुत लंबा जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से गेमिंग बंदों के लिए ये स्मार्टफोन एकदम बेस्ट रहेगा, जिसको बहुत ही घंटा भर गेमिंग में बिताना है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, इतना चिपसेट के साथ, इस चिपसेट में पावर है कि इसमें, क्योंकि इसमें 8-कोर डिफाइन सर्वर क्या है, पबजी गेम को ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए इसमें कॉर्टेक्स A55 का क्वाड कोर, और इसमें 2.73 हर्ट्ज़ का ड्यूल कोर, और इसमें 2.4 GHz का कॉर्टेक्स A75 का इसमें CPU यूज किया है। तो इसमें भी आपका 6 GB वाला वेरियंट है, और 128 GB इसमें इंस्टॉल आएगा, और ये आपको 512 GB तक आप एक्सपेंड अप कर पाएंगे। तो 25,000 के बजट में ये स्मार्टफोन एक गेमिंग पर्सन के लिए बहुत ही आसानी से सब साथ जा रहा है। तो लोगों का मन का बहुत ये भी सवाल था कि ये स्मार्टफोन में आखिर 5G आया तो आया क्यों नहीं। तो अगर इसमें अगर 5G नहीं आता, तो इसमें प्राइस अगर 20,000 के बजट में आया तो आया क्यों नहीं। तो 25,000 के बजट में आया है, तो इस स्मार्टफोन में 8 GB रैम आया तो आया क्यों नहीं। अगर इसमें अगर 7,000 बैटरी है, तो इसमें कम से कम 50 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 40 वाट तक इसमें फास्ट चार्जिंग आना तो आना चाहिए था, लेकिन इसमें आया तो आया नहीं। तो ये स्मार्टफोन 25,000 में, आप एक अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना, मैं एक गेमिंग बंदा हूँ, मुझे एक बहुत ही एक गेमिंग मुझे वो चाहिए, मतलब एक गेमिंग मुझे वो चाहिए, मतलब स्मार्टफोन हर तरह गेम खेल सकते हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 4G का मोबाइल है, इसमें GPS है, ये है सेंसर है, कुशल मुस्त सेंसर है, बस USB Type-C पोर्ट है, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे भी पता है। आजकल MicroSD का MicroUSB पोर्ट का विद इन गया अभी सब इसमें है। तो सैमसंग वालों,
इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और पबजी वालों इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप अपने कौन से स्मार्टफोन में पबजी खेलते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो अब तक।